मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। 23 नवंबर 2023 को जोजावर में हुई भाजपा प्रत्याशी की चुनावी सभा के दौरान हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि भाजपा प्रत्याशी केसाराम चौधरी शांति की अपील करने लगे, तो वहीं पूर्व प्रधान सुमेर सिंह भी कुंपावत भी शांति की अपील करने लगे और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते रहे कि ये उनकी साजिश है, उनके द्वारा भेजे गए लोग हैं। हम आपको दिखा दें कि जोजावर में 23 नवंबर को क्या हुआ, आइए देखते हैं। गला करके गलती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता इधर आ जाए, सबसे निवेदन है झगड़ा नहीं करे। ये किसी के द्वारा भेजे गए लोग है, किसी की चुनावी सभा में विघ्न डालना भी गैर कानूनी है। ये कर रहे हैं, इनके पहली बार जमीन खिसक गई है, इसलिए शांति बनाए रखे। मैंने कहा था 2 दिन कुछ भी करेंगे। ये खुद बेचते हैं शराब पी हुई वैसे महिला। अपने कार्यकर्ता इधर आ जाए, वो झगड़े पे उतर हुए हैं। ये साफ साफ नजर आती है हार की बोगले, ये साफ साफ नजर आती है हार की बोगले। ऐसी घटना हमने बहुत देखी, कृपया करके ऐसी घटना बहुत देखी, ऐसे झगड़ा नहीं करे। आप सबसे निवेदन है, अपने कार्यकर्ता से निवेदन है, अगर कोई बात हो रही है आप इधर आ जाए। ये अपने कार्यक्रम को डिस्मिस कर रहे हैं, आपसे निवेदन इधर आ जाए। ये हार की बोलन है, मुझे पता है 3 साल से मैं भी प्रधान हूँ, जिस तरीके से मुझे परेशान किया गया, ये आज खुला नहीं कर सकते। पर्दे के पीछे लेकर के पता चला है, पर्दे के पीछे लेकर चला है, लेकिन कहने दो कितने दिन करोगे। हम तो ईमानदारी से रहे हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। अगर झगड़ा कर रहे हैं निवेदन करना चाहिए, खुशेर सिंह में हैंग हथकंडा है, वो कड़ी तरह हथकंडा कर सके। आपने निवेदन करो, आपने निवेदन करो क्या कुछ भी हथकंडा कर सके और शांतन रुक जा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुशेर सिंह तेरी दादागिरी को आप समाप्त कर देंगे, चिंता मत कर खुशेर सिंह। तो देखा आपने किस तरह से सभी अपील कर रहे हैं और पीछे कितनी भगदड़ मची हुई है। ये कैसी भगदड़ है, ये कौन लोग थे, किसके लोग थे, यह हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार बार अपील हो रही है कि शांति बनाए रखें। इसी दौरान बताया जाता है कि इसी भीड़ के अंदर कहीं धक्का मुक्की या मारपीट होने की भी ऐसी आशंका जताई जा रही है सूत्रों के अनुसार, जिसमें एक युवक को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई। बताया जाता है उसके कहीं ना कहीं शरीर पर चोटें आई। युवक की चोट होने की खबर मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह जोजावर तुरंत प्रभाव से उसके निवास स्थान पहुंचे कुशल क्षेम पूछने के लिए। आइए देखते हैं खुशी सिंह ने घर पहुंचकर उस युवक से क्या बात की। मॉल में जी बगाड़ो कोई अपन चावल दोनिया कोई भी चीज वगैरह वगैरह जाने से मतलब ठोकान ठोक गया मैंने तो मैंने मॉल में जी बगाड़ो वगैरह बड़े 50 साल ना पूरा मारे माथे पड़ गया मारे टी शर्ट वगैरह सब पूरी फाड़ दी बोलो और वोट थी ठोकी जैसे मारे लागी बोलो। हाँ वोट ठोक गया। हाँ सर
एक ने कहो दो ने कहो सब हंग पड़े पूरा माथे ने पूरे पूरे तीन चार ने बाहर से देखा वाला था बोले मैंने गणेश छोड़े हैं मैंने कहो कोई वीडियो वीडियो है अच्छा वो कूटी है नहीं है लुगाई में माथर पटो बांधो मटर गमछो बांधो बाल्डाजी भूसी कूटरी हो कूने अजयपाल कोबरा गैंग की गैंग ही कोबरा गैंग अजयपाल सिंह अजयपाल सिंह अजयपाल सिंह अजयपाल का नाम है बंदा देखो जाना कितनी बजे देरी घटना आज दिन तक मैं चुनाव लड़ी हूँ अच्छे चुनाव लड़ी है एड़ी घटना मैं पहली बार देखी हूँ गुंडागर्दियों का चुनाव जीत नहीं है वो देखो वो कुछ ने चली ऊपर वो हेम सिंह है वो तो हिस्ट्री सिटी है दो तो हिस्ट्री सीटे थे वो देखो कूट रही हो नहीं महिला रहते अभद्र व्यवहार कर रही हो अब तुम्हें बात करनी पड़ी पुलिस में कार्रवाई करानी पड़ी अब कोई टेंशन मत लो बेटा कोई डरने की जरूरत नहीं है बेटा गुंडागर्दी हुई चुनाव जीत गई कोई डरने की जरूरत नहीं है होते में इसकी सीटें बल मैं गुंडागिरी में चुनाव जीत जाओ कोई डरने की जरूरत नहीं है मैं बैठो हूँ मैं जीव तो हूँ जीते आप रे वास्ते हमारी जान हाजिर है होते में यूं गुंडागिरी करने में चुनाव जीत जाओ मारू गुंडा ने बुलाया इसकी सीटें ने बुलाया चुनाव जीत जाओ आपने कोई डरने की जरूरत नहीं है मैं बैठो हूँ मैं बैठो हाँ तो आप जो बटे निकलता तो अवाड़ों पानी उतर जरूरत कटे पड़ी उन्हें अधिकार मोरे है अधिकार सुनामे खड़ा है तो पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ी तो गुंडागिर्दी हदू पार वेगी तीन स्त्री सीटें बलबूते चुनाव जीत ली तू धमकी वोट देना आपने के फूल मारे धमकी दे रोन मानी यू कह रही मैं तो नाम लिखाना चाहती हूँ धमकी वोट दे दी कोई मैं यूज की होगी मैं धमकी वोट नहीं मिले ये धमकी वोट देते जाने धमकी तो मैं कल का भी कर सके कल भी कोई भी कर सके
चुनाव जीत नहीं जा बैठे आज पहली मैं छठो चुनाव दसवो चुनाव लड़ रही हूँ आज पहली अड़ूनी नहीं हो आप कोई टेंशन मत ले बेटा तुम डरने की जरूरत नहीं है कोई धमकियों वोट धमकियों नहीं दे रही है वोट दिल खाल दो जीते वोट दे रही है वोट खाल दे रहे धमकियों वोट दे नहीं कोई हाँ तो होता आवड लागी हुई थी आवड लागी हुई मर जाए तो घबराने जरूरत नहीं है मैं बैठू हूँ कोई घबराने जरूरत नहीं है मैं सब इलाज कराऊ कोई टेंशन में होने जरूरत नहीं है तू घबरा मत मैं बैठू हूँ कोई डरने जरूरत नहीं है तुम्हें और मैं पुलिस में कार्रवाई कराऊ तो देखा आपने किस तरह से अब ये युवक से बातचीत की है कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह जोजावर ने और उनको बताया गया है कि कुछ राउत समाज की तरफ से कुछ युवक थे जिन्होंने 50-60 युवक थे जो उसके ऊपर टूट पड़े उस युवक ने बताया है कि एक महिला के ऊपर पानी डाल दिया गया था और मैं बीच बचाव के लिए गया तो मेरे साथ ही मारपीट की ऐसा वो युवक कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह को बता रहा है। खुशी सिंह कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मैंने वह वीडियो देखी है जिसमें भाजपा में जो थे उसमें कुछ 3 हिस्ट्री शीटर लोग हैं जिनका सिरियारी थाने के अंदर मुकदमे दर्ज हैं रिकॉर्ड दर्ज है तो खुशी सिंह ने प्रहार किया है कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से भाजपा पर कि इस तरह से आप दादागिरी करने से या इस तरह से डराने धमकाने से आप वोट नहीं ले सकते जनता सब जानती है। आइए खुशी सिंह ने क्या अपील की हम आपको सुनाते हैं। समस्त क्षेत्रवासियों से करबद्ध अपील करता हूँ कि आज जोजावर में जो ऐसी अप्रिय घटना हुई है मैं राजनीति जीवन में इतने चुनाव मैंने लड़े हैं लेकिन पहली बार ऐसा माहौल मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है। लग ऐसे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। इनको ये लग रहा था कि हम आगे कैसे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भुलाया बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है और उसका कारण है एक प्रत्याशी अपने आप में इतना कमजोर और अहम रखने वाला प्रत्याशी है हर किसी को ऊंचे शब्दों का उपयोग करता है और आज गुंडों के बलबूतों पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जितने भी बाहर से लेके आए थे जोजावर के अंदर वीडियो देखा है मैंने मैं उस बच्चे के घर पे भी जाके आया हूँ उसके पिता नहीं है विधवा माँ है वो रोई मेरे सामने कि मेरा इकलौता बच्चा बचा था और उसका हाथ तोड़ दिया उन्होंने मारपीट करके और जब महिलाएं निकल रही थी अनुसूचित जनजाति की तो उनके ऊपर पानी डालने की कहां जरूरत पड़ी थी उस खैली में से और उसी की बात को लेकर उन्होंने प्रतिशोध किया तो कुछ गुंडों ने और 3 गुंडे तो उसमें हिस्ट्री सीट रहे सिरेरी थाने के तो मैं आप सब था कि ये अपनी गाड़ी को उल्टी करके आग लगा सकते हैं अपने कपड़े फाड़ सकते हैं मेरे भाषण आप सुन सकते हो सोशल मीडिया पे मुझे मालूम था कि इस तरह की ये बौखलाहट है इनके हार की और जबरदस्त हार की बौखलाहट है ये और ये वो करके दिखाया और आज जोजावर में जब गाड़ी लेके आए इनके उन्होंने खुद ने अपने पत्रों से खाद तोड़ के ही लेके आए थे ये गांव पे आरोप लगाने के लिए कि गांव वालों ने तोड़े होंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई वीडियो हो तो वायरल करे पत्थर फेंकने का। मैं करबद्ध अपील करता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं से इसका जवाब यही है
कि आप अधिक से अधिक वोट डलवाएं और धैर्य और शांति रखें और कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। किसी ग्रामवासी को घबराने की डरने की इन गुंडों से, इन ऐसे लोगों से जो एसटी सीटर है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।